और यहाँ देखिए हनुमान जी का गद्दा है। और मैं यहाँ पे भींगते हुए सामान को बचाते हुए जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग वीडियो। तभी सुबह के 4:35 हो रहे और उन्हें मैं सो के उठी हूँ और आज मुझे जाना है बख्तियारपुर। ठीक है, तो मैं कहीं जाने वाली हूँ, आपको पता चलेगा, तो वीडियो में बने रहे। और पैकिंग वगैरह हमने बहुत दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही करके रख चुकी हूँ। जाती हूँ, अपना हेयर ठीक करूँगी और काम वगैरह करूँगी, उसके बाद आपको मिलते हैं बख्तियारपुर में। फाइनली गाइस, अभी टाइम हो रहा है 6:09 और मैं अपना बाल वगैरह अभी ठीक कर ली हूँ। और कुछ आप सुन सकते हो बारिश किया भाई साहब, आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग सुन सकते हैं बारिश की आवाज़, बारिश हो रही है, ये देख लीजिए मौसम कुछ ऐसा है। कल तक बहुत गर्मी थी, ठीक है, मैं सोच रही थी कि इतना गर्मी में कैसे जाऊंगी, और बारिश हो रही है। मतलब कुदरत का भी आप लोग देख लीजिए, एक चीज़ तो अच्छी गर्मी नहीं लगेगी, बट अच्छे से जाना पड़ेगा। तो मैं पहुँचूँगी, उसके बाद आपको मिलते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रेन एक जा रही है और यहाँ पे देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। सामने मेरा भाई है। तो गाइस, मैं बहुत पहले से ही अपना जो सामान, 1-2 दिन बाहर जाऊँगी तो सोचे कि कुछ खरीद लेते हैं, तो हम टकाटक ले लिए। मेरा टकाटक बहुत फेवरेट है, ठीक है, और साथ ही साथ सबका एक्सपायरी डेट भी देख लिए। कुरकुरे ली थी और बिस्किट भी ली थी, ड्रीम लाइट और क्रीम वाला बिस्किट ली थी, ठीक है, और साथ में हाजमोला भी ले ली और सॉस भी ले ली, मीठा वाला और तीखा वाला। तो मीठा वाला का तो एक्सपायरी डेट बाद तक था, बट जो तीखा वाला था ना सॉस, उसका एक्सपायर हो गया था वो 2023 में ही, तो उसे मैं रिटर्न कर दी फिर जाके, ठीक है। इधर हम जा रहे हैं कहीं बारिश में। वीडियो को लाइक कर दो यार, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज लाइक कर दो, अभी मैं जा रही हूँ। ये देखो आज, ये देखो कितने अच्छे नज़ारे हैं भाई साहब, बादल है पहाड़ पे और यहाँ पे ट्रेन है। और मैं यहाँ पे भींगते हुए सामान को बचाते हुए जा रही हूँ, हरियाली ही हरियाली है भाई। सो फाइनली गाइस, आप लोग देख सकते हो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे रेलवे स्टेशन और बारिश हो रही है भाई। रास्ता बहुत ख़राब था गाइस, बहुत ख़राब था रास्ता, फिर भी आ गए। बारिश हल्का कम हुआ है और पहाड़ों का व्यू आपको दिखा, ये देखिए गाइस पहाड़ों का व्यू कुछ ऐसा है। सो फाइनली गाइस, बैग भीग चुका है पूरा लगभग, और देखिए बारिश अभी तक हो ही रहा है हल्का हल्का, और यहाँ पे छाता रहता भाई साहब पूरा भीग चुका है। बैग देखिए, इसके अंदर सामान इतना दूर से पूरा भीग चुका है, पीछे भी भीग चुका है पूरा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बोलिए क्यों, क्योंकि ये बैग लेके मैं बहुत अच्छा किया, ट्रैवल का सफ़र है, बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर का सामान तो भींगा नहीं ज़्यादा, बट बहुत अच्छा बैग है। चप्पलें देखिए गाइस, पूरा गंदा हो गया चप्पल। तो यहाँ पे मैं अपनी हुलिया ठीक करते हुए और कैमरा में देखते हुए अपना फेस वगैरह साफ कर रही थी, और अपना जो गर्मी है उसे सोच रही थी कि कब फैन चालू हो, ठीक है, और आसपास के लोग अपना मोबाइल चला रहे थे। देखिए गाइस, सामान ऊपर रखा गया। गाइस मैं आपको ना बिगड़ेल भैया को दिखाती हूँ, ये देखो ये बिगड़ेल भैया। तो फाइनली गाइस देखिए, ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है और ये रहा हमारा प्यारा राजगीर, बाय बाय राजगीर। और इन्हीं रास्तों से मैं आई थी चल के भाई साहब, एक्सपीरियंस बहुत बुरा था और एडवेंचर भी था। और यहाँ पे देखिए किसान लोग हैं,
अपने खेती करने के लिए आए हैं, बारिश हो या कोई भी समय हो। और यहाँ पे देखिए ये टोटो है, यहीं पे सबको छोड़ के चला जाएगा अपना घर। और यहाँ का नज़ारा देखिए बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और मैं मोबाइल को कस कर पकड़ी हुई हूँ ताकि मेरा मोबाइल नहीं गिर जाए। भाई साहब अभी तो हाथ से ही चलाना पड़ रहा है काम। और ये देखिए यहाँ का क्वार्टर बना हुआ है राजगीर में, यहाँ पे जो रेलकर्मी के काम करते हैं वो सभी रहते हैं। और ये देख लीजिए व्यू बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी कभी राजगीर आइए घूमने। गाइस देखो यार क्या हरियाली है यहाँ का, वाह ऑसम व्यू, दिल खुश हो गया देख के। वीडियो को लाइक कर दे गाइस। और देखे यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। और कोई स्टेशन आया है वो भी आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए लिप्टस का पेड़ है, बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा है। और व्यू देख लीजिए यहाँ पे, बारिश में सभी लोग ट्रेन का वेट करते हुए यहाँ पे आ गया नालंदा। अरे भाई बारिश में कहीं ट्रैवल मत करना, बहुत प्रॉब्लम होती है। ये देख लीजिए कितना भीड़। सो फाइनली अब बख्तियारपुर का रेलवे स्टेशन आने वाला है, तो मैं रेडी हो जाती हूँ उतरने के लिए। फिर जाना है दीदी के पास, फिर उसके बाद से हम लोग कहीं पे जाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल पे ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये देखिए मैं आ गई दी के घर। यहाँ बहुत सारा कबूतर, बहुत सारा देखिए यहाँ पे बहुत सारा है खिलौना। ये राघव का खिलौना है सभी, है ना? कौन कौन सा एनिमल है? टाइगर और गाय, हिरन, जिराफ, हिप्पोपोटामस, लोमड़ी, ऊंट, ज़ेब्रा। अरे वाह! और यहाँ पे रोबोट बना है ना राघव? और देखिए यहाँ पे रोबोट, कितना अच्छा रोबोट है। और यहाँ देखिए बहुत सारा सामान बनाया है राघव। और क्या क्या है? ये देखिए काटा वाला टायर। ओ ये रोबोट। ओह वाह बहुत अच्छा है। ये सारा रोबोट। और ये क्या है? मकड़ी। वही है तो। ये तो मकड़ी लग रही है, ये तो मकड़ी लग रही है। सो फाइनली गाइस मैं जा रही हूँ अभी खाना खाने यानी ब्रेकफास्ट करने के लिए। और यहाँ पे रघु का पैरोट खाना खाएगा। पैरोट गाइस देखिए गंगा जी बहुत पानी पास में आ चुका है। और यहाँ देखिए हनुमान जी का गद्दा है। और छत पे देखिए कबूतर हैं ढेर सारे। इधर देखिए गाइस टीवी चल रहा है, इधर बच्चे हैं बच्चा। मैं हुई हूँ छत पे, और यहाँ पे बहुत सारे गमले लगे हुए हैं, आपको दिखाती हूँ। तो ये था मेरी दी का घर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।